डॉक्टर सिंह बायोलॉजी कोच, और आपको पता है कि अभी हमने सीरीज कंप्लीट की, दैट इज सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, और अब हम एक सेकंड बायोलॉजी का जो चैप्टर है आपका, दैट इज टिश्यू, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी भी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में जो फर्स्ट सेशन होगा हमारा, जहाँ इसमें फर्स्ट जो हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, तो फर्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, आपको पूरे चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को कम्प्लीट करवाएंगे विद डायग्राम एटसेट्रा सब कुछ। उसके बाद जो सेकंड सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे इसी यूनिट के, उसको भी कंप्लीट करवाएंगे, यानी कि पूरा यूनिट जो होगा वो हम इसमें इस सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टिश्यू है क्या। तो टिश्यू पढ़ने से पहले, जैसे मैं हर बार आपको बोलता हूँ, हमें थोड़ा सा बेसिक जो पता होना चाहिए कि टिश्यू की जरूरत क्यों है, टिश्यू आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, टिश्यू खुद किससे बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि बेसिक अगर बात करें, जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ओके, लेकिन अगर हम और थोड़ा सा पीछे जाएं, तो हमने देखा था पिछले यूनिट में कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। ओके, सो अगर वो सिंगल सेल से बने, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया की, हम बात करते हैं यूमिलिना की, हम बात करते हैं पैरामीशियम की, तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म का मैंने नाम दिया, ये सब एक सेल से बने हुए हैं। तो अगर एक सेल से बने हुए हैं, नेचुरल सी बात है उनमें एक सेल जो होता है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। सो दैट सेल परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्टिविटी फिजियोलॉजी ऑफ द लाइफ, वेदर इट इज एक्सक्रीशन, वेदर इट इज सर्कुलेशन, वेदर इट इज रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन, ओके, न्यूट्रिशन। सो द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज। तो वहां पे हमने देखा था अकेला सेल सब काम करा है, इसी कारण तो उसको बोला था हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन बच्चा, अगर हम आपको बात करें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियन एंड बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल्स, यानी कि उनकी बॉडी एक सेल से नहीं, बहुत सारे सेल से बनी होती है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, किस तरह से वो ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बनती है, किस तरह से वो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो हमें समझना होगा। इट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हैं, तो वहां पे टिश्यू लेवल तो होगा ही, वहां पे तो वो सेल इकट्ठे होकर टिश्यू तो बनाएंगे ही। लेकिन हाँ, जो ऑर्गेनिज्म जो है मल्टी सेलुलर है या फिर बहुत सारे सेल से बना हुआ है, वहां पे हमें क्या होगा, टिश्यू की जरूरत होगी। तो ये पहले चीज समझे, तो उसके लिए मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना बेसिक यूनिट क्या है, वो आपको पता है बेसिक यूनिट क्या है हमारा, दैट इज सेल। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, दिस इज सेल, तो ये क्या आ गया, सेल। तो मान लो ये कोई भी सेल है, जिसके बाद न्यूक्लियस है, कोई भी है, ये अमीबा हो सकता है, यूमिलिना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड सेल। तो मान लो ये एक सेल हो गया। तो अब आपको भी पता है कि जो सेल होते हैं, जब वो आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाएंगे, तो सेल बहुत सारे आपस में मिलेंगे, एक से ज्यादा सब सेल मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म टिश्यू। तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। और टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, वो हम आगे देखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन, है ना। इनमें भी न्यूक्लियस आ गया, बिल्कुल सिंपल वे में समझना। अब बात क्या होगी, अब यही टिश्यू जो है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है, दिस इज टिश्यू। अब ये टिश्यू आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, नेचुरल बात है, जब टिश्यू आपस में एग्रीगेट करते हैं तो ये मिलके एक और बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्गन्स। तो मान लो कि हम ये कोई ऑर्गन बनाता है, ये क्या बना रहा है, मान लो ये स्टोमिक आ गया इस तरह से, है ना। तो यहाँ लीफ बना रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई भी ऑर्गन बना रहा है, तो ये इसने क्या बना दिया, कोई एक ऑर्गन बना दिया। तो ऑर्गन किससे बन रहा है, टिश्यू के जुड़ने से बन रहा है। फिर ही ऑर्गन जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, क्या बनता है, दैट इज सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर ये स्टोमक है, एक है, ऐसे इसके ऊपर क्या होगा, इसोफेगस, और उसके ऊपर क्या होगा, माउथ। इस तरह से हम कर करके देखेंगे, हमारे क्या पास क्या बनेगा, एक सिस्टम बनेगा ना। ये हमने पहले भी बनाया, मान लो ये इस तरह से थोड़ा रफ बनाते हैं, तो इस तरह से क्या हो गया हमारे पास, ये एक सिस्टम बना। और ये कौन सा सिस्टम है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है, टिश्यू के जुड़ने से, ऑर्गन के जुड़ने से। तो इस तरह से आपने देखा ये क्या बन गया, दिस इज सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है, दैट इज
organ ke judne se to bahut sare organs aapas mein judenge to ek system banega and that system is called digestive system circulatory system excretory system nervous system koi bhi system ho sakta hai to system jo hota hai wo organ ke judne se banta hai aise bahut sare system aapas mein judenge 1 2 3 bahut sare judenge to kya banega to banega organism kya banega organism it means hamare paas अब हम थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार हमारे पास क्या है ऑर्गन्स सबसे पहला छोटा बेसिक क्या आ गया सेल तो सेल जुड़ेगा तो क्या बनेगा टिश्यू टिश्यू के जुड़ने से क्या बनते हैं दैट इज ऑर्गन बहुत सारे टिश्यू आपस में एग्रीगेट करेंगे और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे और उसको आप नाम दे दोगे ऑर्गन का ऐसे बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है एक सिस्टम बनेगा कोई एक सिस्टम अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें अलग अलग ऑर्गन होंगे उसमें हार्ट होगा आर्टरीज होंगी वीन्स होंगी है ना इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम इसोफेगस होगा स्टोमेक होगा ड्यूडिनम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह से ऑर्गन होंगे अब ये ऑर्गन आपस में मिलते हैं अब देखो जैसे हम मैं ही अब मेरे अंदर क्या एक ऑर्गन नहीं है बहुत सारे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम के अलग ऑर्गन है एक्सक्रीटरी के अलग ऑर्गन ये सारे ऑर्गन जो होते हैं एग्रीगेट करते हैं ऑर्गन सिस्टम्स और इन ऑर्गन सिस्टम के जुड़ने से एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है मीन्स सबसे बड़ी आइडेंटिटी जो है वो दैट इज ऑर्गेनिज्म और सबसे छोटी आगे दैट इज सेल और इस सेल को हम ऑलरेडी पिछले यूनिट में कर चुके हैं ओके अब हम बात करेंगे किसकी इस टिश्यू की ओके स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि टिश्यू है क्या टिश्यू की प्रॉपर डेफिनेशन है क्या तो अगर हम टिश्यू की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें टिश्यू क्या है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ क्या है ये ग्रुप ऑफ सिमिलर ओके और डिससिमिलर सेल्स एक एक लाइन को समझना है आपको सिमिलर और डिससिमिलर सेल्स पहला ये हो गया अब ये ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिससिमिलर सेल है तो टिश्यू हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही तरह के सेल से बने एक ही तरह के सेल से भी बन सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से भी बन सकते हैं बट दे एग्रीगेट बट दे एग्रीगेट मतलब कि वो आपस में जुड़ेंगे एग्रीगेट का मीनिंग होता है आपस में जुड़ना एग्रीगेट टू परफॉर्म किसे भी एग्रीगेट करते हैं टू परफॉर्म ताकि वो क्या कर सके परफॉर्म कर सके क्या परफॉर्म करेंगे अ सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन ओके ताकि वो आपस में मिलके एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके फिर से सुनो कि अब यहां पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं पहले आ गया ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स तो हम पहले सिमिलर की बात करते हैं हम एग्जांपल लेते हैं एपिडर्मिस तो आपको एपिडर्मिस की अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो पहले तो पता होगा एपिडर्मिस कैसे होती है मान लो मैं एपिडर्मिस बना रहा हूँ तो ये एपिडर्मिस है तो इस एपिडर्मिस सारे सेल ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट सेल को देखो किस तरह के सेल है तो आपको दिख रहा है ये थोड़े से रेक्टेंगुलर है ना इस तरह के सेल तो पहला सेल देखोगे दूसरे से मिलता जुलता है तीसरे से तो हर सेल की शेप स्ट्रक्चर साइज एक जैसे तो अगर यहाँ पे हर सेल एक जैसा है इट मीन्स तो ये क्या एग्जांपल होगी सेम टाइप ऑफ सेल्स तो यहाँ पे सारे के सारे एक सेल है लेकिन यहाँ पे देखोगे फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द सेकंड सेकंड इज एग्रीगेट विद थर्ड थर्ड इज एग्रीगेट विद फोर्थ ऐसे सब एक चेन बन गई है तो ऐसे हजारों लाखों सेल बनेंगे ओके सो दिस एपिडर्मिस ये क्या है एपिडर्मिस तो ये एपिडर्मिस है क्या ये टिश्यू है ओके और ये एपिडर्मिस जो टिश्यू आपको दिख रहा है ये सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू मीन्स ऐसा टिश्यू है जो एक ही तरह के सेल से बना हो समझ आ रहा है इसको आगे भी हम आज डिटेल में बताएंगे क्या दोनों फर्क होगा अब हम बात करेंगे कि जो टिश्यू है उसमें हमने दूसरा वर्ड लिखा है डिससिमिलर सेल्स तो ऐसे एपिडर्मिस पेरेंकाइमा सेल्स जो आगे जैसे हम बढ़ेंगे आपको मैं बताता रहूंगा बीच बीच में आपसे पूछता भी रहूंगा ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा दूसरा लिखा है डिससिमिलर सेल्स सो व्हाट डू यू हैव डिससिमिलर सेल्स डिससिमिलर सेल का मीनिंग हो गया कि यहाँ पे भी टिश्यू बनेगा लेकिन यहाँ पे टिश्यू को बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के सेल्स होंगे तो एक नहीं एक से अलग अलग तरह के सेल्स होंगे लेकिन वो सेल चाहे आपस में अलग अलग तरह से कुछ काम करते होंगे लेकिन अगर एज ए होल देखेंगे तो वो एक ही काम परफॉर्म करेंगे अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से आपको समझाता हूँ मान लो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे हम ले लेते हैं जाइलम एंड फ्लोइम तो जाइलम एंड फ्लोइम क्या एक टिश्यू है और जाइलम और फ्लोइम की अगर हम बात करें तो किससे बने होते हैं तो अगर मैं बात करूँ ये हमारे पास फ्लोइम आ गया तो फ्लोइम को बनाने वाले जो कितने सेल होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ फोर डिफरेंट टाइप ऑफ
सेल, तो जो मैं बना रहा हूँ दिस इज कॉल्ड सीव सेल, तो ये क्या है सीव सेल, इसको कवर करते हैं आगे कंपेनियन सेल, ये आ गया इसके कंपेनियन सेल, ठीक है, तो ये कंपेनियन सेल आ गई, कंपेनियन सेल के आगे देखेंगे हम, हमें देखेंगे दैट इज फ्लोइंग पेरेंकाइमा, तो ये फ्लोइंग पेरेंकाइमा है, ठीक है, और फ्लोइंग पेरेंकाइमा के आगे देखेंगे हमें आगे दिखेगा दैट इज फ्लोइंग फाइबर, तो यहाँ पे क्या दिखेगा फ्लोइंग फाइबर, तो अब आप ही बताओ यहाँ पे कितने तरह के सेल है, तो फ्लोइंग फाइबर्स, ये वाला जो अंदर ही आ गया फ्लोइंग पेरेंकाइमा, ये जो दिख रहा है अंदर वाला ये येलो वाला जी दैट इज कंपेनियन, कंपेनियन का दोस्त, इनका क्या काम है हम आगे पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाला जो है ये आ गया सीव सेल, आप मुझे बताओ क्या ये चारों एक ही तरह के सेल है, नहीं, चारों की शेप देखो स्ट्रक्चर देखो उनके फंक्शन देखो डिफरेंट डिफरेंट है, आपको किस आगे आपने बोला ये सारे काम एक जैसा करेंगे, लेकिन मैं बोलूँ ये अभी यहाँ पे अलग अलग से काम कर रहे हैं, फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पेरेंट का ये जो फ्लोइंग पेरेंट का है ये स्टोरेज करता है, कंपेनियन सेल न्यूक्लियस का काम करता है इसको देता है, और ये जो सीव सेल है ये खाने को ऊपर नीचे लेके जाता है, मीन्स फ्लोइंग का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, अब अगर एज ए होल देखें, अगर एज ए होल देखें तो सबका मिलके काम क्या करते हैं दैट इज जो प्लांट लीफ जो होते हैं वो खाना बनाते हैं खाने को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये इनका मेन काम होता है, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल टिश्यू एज वेल एज कम्प्लेक्स टिश्यू, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपका कि हमारे पास टिश्यू तो है, तो टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक कौन से हो गए दैट इज सिंपल टिश्यू, कौन सा सिंपल, अब आपको समझ आ गया ये जो देखा आपने, और दूसरा होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन सा हो गया दैट इज ये वाला, मींस कि अगर हम बोलें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट एग्रीगेट टू फॉर्म ए परफॉर्मिंग सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन दैट इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू, ओके, जैसे हमने बोला एपिडर्मिस, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर टिश्यू बन रहा है लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत सारे सेल चाहिए, अलग अलग तरह के सेल चाहिए, जैसे मैंने बोला फ्लोइंग या फिर जाइलम, सो दे कंसिस्ट ऑफ फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ओके, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो आपको एक क्वेश्चन हो गया टिश्यू क्या होता है, दूसरा हो गया सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज टिश्यू की डेफिनेशन, टिश्यू किसको बोलते हैं, तो टिश्यू सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स को नहीं बोल सकते, जो बच्चों ने ये क्वेश्चन रन किया एज ए ग्रुप ऑफ सेल बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल को नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट एग्रीगेट विद वन अनदर, जो आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद दे परफॉर्म ए सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन, तो आपस में मिलकर एक सेम तरह का काम परफॉर्म करेंगे, उसको हम बोलेंगे टिश्यू, तो मैं साथ साथ आपको वीडियो भी दिखाता रहूंगा इसकी, जैसे हम आगे बढ़ेंगे थ्री आई आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे थोड़े से, इसको देख के आपको और ज़्यादा मजा भी आएगा, थैंक यू।